हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। सो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और गाइस, आज है 5 नवंबर और कल है बनपाल सीधी भर्ती का एग्ज़ाम। इसकी वजह से रोडवेज बसों में काफ़ी भीड़ हो रखी है। और गाइस, देखिए आज किस तरह से बस में भीड़ है, इसकी वजह से बस की छत पर बैठना पड़ रहा है। सो गाइस, इमरजेंसी की वजह से मैं तो बस की छत के ऊपर बैठ गया, बट इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरह बस की छतों पर नहीं बैठना है, क्योंकि बस की छत पर खतरा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सो गाइस, पावर की लाइंस होती हैं, वो रोड को क्रॉस कर रही होती हैं, वहाँ आपको खतरा हो सकता है। और गाइस, रोड के किनारों पर जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों से आपको चोट लगने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस स्थिति में आपको बस की छतों पर इस तरह से नहीं बैठना है। और गाइस, रोड पर जो पावर लाइंस लगी होती हैं उनमें गार्डिंग की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो के द्वारा हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो रोड पर जो पावर लाइंस लगी होती हैं उनमें गार्डिंग लगाना चाहिए, इससे खतरे के थोड़ा बहुत कम चांस होते हैं। और गाइस, इस वीडियो के द्वारा हम रोडवेज से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक रूट पर एग्ज़ाम के टाइम मिनिमम 5 बसें और बढ़ा दी जाएँ, जिससे एग्ज़ाम देने वालों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और गाइस, रोडवेज बसों की कमी के कारण ही इस तरह से बस की छत पर बैठकर एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। सो गाइस, यहाँ बहुत ही रिस्की काम रहता है, इसलिए 5 बस प्रत्येक रूट पर अगर बढ़ा दी जाए तो इससे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और लोग आराम से बस के अंदर बैठकर सफ़र कर पाएंगे। भाइयों, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे बट आपको सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना है। तो भाइयों, ये है रोडवेज का सफ़र, बड़ा सुहाना समुद्र है, ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। और तो भाइयों, कल बनपाल का एग्जाम है, इसकी वजह से इतनी भीड़ है, देखिए रोडवेज की छतों पर सफर करना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप हमारी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।